नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 11 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के स्कूलों में लगाई जाएगी टीकाशाला। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लगा झटका। कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए जारी की गई गाइडलाइन। कोरोना से जान गंवाने वालों के नए आंकड़ों के बाद सरकार की तरफ से दी गई सफाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना की ग्राउंड रियलिटी ने बढ़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता। पटना की ग्राउंड रियलिटी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने ज्यादा हैरान दिखे कि उन्होंने ट्वीट जारी कर अपनी परेशानी साझा की है। लॉकडाउन खुलते ही कई तस्वीरें सामने आई है जहां पर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। इसी को देखने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही सड़कों पर उतरे थे, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि आज पटना शहर में कुछ इलाकों का भ्रमण किया, देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोविड-19 संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क का अवश्य उपयोग करें और 2 गज की दूरी जरूर बनाएं। बिहार में मिले कोरोना के 600 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 551 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,895 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 18, अरवल में 8, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 30, भागलपुर में 10, भोजपुर में 4, बक्सर में 3, दरभंगा में 17, ईस्ट चंपारण में 16, गया में 5, गोपालगंज में 28, जमुई में 4, जहानाबाद में 3, में 4, कटिहार में 16, खगड़िया में 10, किशनगंज में 9, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 20, मधुबनी में 7, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 23, नालंदा में 7, नवादा में 8, पटना में 63, पूर्णिया में 48, रोहतास में 2, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 17, सारण में 26, शेखपुरा में 1, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 9, सुपौल में 40, वैशाली में 20, वेस्ट चंपारण में 12 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 7 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 985 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। इसके साथ ही कुल मिलाकर 106,483 सैंपल की जांच की गई है। बिहार में अगले 24 घंटे में पहुंच जाएगा मॉनसून। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी, आने वाले 24 घंटे में बिहार वासियों को मॉनसून की बारिश की झलक देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में पहले से बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 9 जून को मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों और बंगाल के उत्तरी खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहले मॉनसून की एंट्री पूर्णिया जिले से होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के 19 जिलों के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पटना समेत कई जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 12 जून तक बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व हिस्से के जिलों में 6 से 32 mm बारिश होने की संभावना जताई गई है। लॉकडाउन में मंत्रियों के भ्रमण पर लगी रोक हटी। लॉकडाउन के कारण एहतियात बरतते हुए मंत्रियों के भ्रमण पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कम होने के बाद बिहार में लगे लॉकडाउन को हटाया गया, जिसके बाद मंत्रियों के भ्रमण पर लगाए गए बैन को हटा दिया गया है। इसके लिए लेटर जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा जारी लेटर में कहा गया कि 24 मई से मंत्रियों के भ्रमण पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा लिया गया है। सभी मंत्रियों के आप्त सचिव को यह पत्र भेज दिया गया। हालांकि इससे पहले मंत्रियों के भ्रमण पर रोक लगाए जाने के बाद विपक्षी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन अब मंत्रियों को राहत मिलेगी, जिसके बाद मंत्री अपने प्रभार वाले जिले के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जा सकेंगे। हाजीपुर में दिनदहाड़े HDFC बैंक में हुई लूट। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अपराधियों की हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में ताजा मामला वैशाली जिले के हाजीपुर से आया है, जहां पर बीते दिन बाइक सवार 5 बदमाशों ने HDFC बैंक से दिनदहाड़े 1,19,00,000 की लूट को अंजाम दिया। गुरुवार को बैंक खुलने की थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे लुटेरे परिसर में दाखिल हो गए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने बैंक कर्मी और एक ग्राहक को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाश ग्राहक के 44,000 भी लूट ले गए। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लगातार जांच पड़ताल जारी है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नवल किशोर धवल की। नवल किशोर धवल का जन्म बिहार के नालंदा जिले में 11 नवंबर 1911 को हुआ था। नवल किशोर धवल एक भारतीय लेखक, कवि, प्रूफ रीडर, संपादक, आलोचक, पत्रकार और अपने समय के कई अलग अलग साहित्यिक कार्यों के लेखक थे। धवल का पालन पोषण मुंगेर जिले में हुआ। उन्होंने 1932 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 15 बार जेल भेजा गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती SMT है। नवल किशोर धवले अपने
अपने जीवन काल में कई किताबों का लेखन कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बांध और धारा, विभीषण का बेटा, मन का फेर, एक बात घरहाट का जैसी किताबें लिखी हैं। बिहार सरकार ने पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी की तैयार। बिहार में पुल मेंटेनेंस पॉलिसी अगले महीने से लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जो कि अंतिम चरण में फाइनल राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी, जिसके तहत राज्य के करीब 5,000 छोटे और बड़े पुल को अब मेंटेन किया जाएगा। इतना ही नहीं, मेंटेनेंस पॉलिसी के आ जाने से अप्रोच रोड को भी ठीक रखा जा सकेगा। इसके साथ ही पुलों के नीचे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त रखने की भी व्यवस्था की जाएगी। शहरी क्षेत्र के फ्लाईओवर पर रोशनी की व्यवस्था और पुलों के सौंदर्यीकरण से जुड़े काम भी इस नीति के तहत होंगे। COVID-19 से जान गंवाने वालों के नए आंकड़ों के बाद सरकार की तरफ से दी गई सफाई। बिहार में COVID-19 से जान गंवाने वालों के मामलों में नीतीश सरकार पूरी तरीके से घिरती नजर आई है। सरकार की तरफ से जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने जान गंवाने वाले व्यक्तियों के आंकड़े को छुपाने की कोशिश की है। अब सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आकर सामने सफाई दी है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने COVID-19 से जान गंवाने वालों के आंकड़े को छुपाने का प्रयास नहीं किया। सरकार का मकसद है कि जिन लोगों की जान गई है, उनके परिजनों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए, और इसलिए सरकार ने पिछले 15 से 20 दिनों में जिला स्तर पर ऐसे लोगों की जान जाने के आंकड़े को इकट्ठा किया जिन्होंने COVID-19 की वजह से जान गंवाई है। वीरपुर बनेगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। सुपौल के वीरपुर को वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर उन्होंने मानसरोवर झील के पुनरुद्धार की आधारशिला गुरुवार को रखी। मंत्री ने बताया कि जर्जर हो चुके मानसरोवर झील के पुनरुद्धार के लिए सालों से प्रयासरत है, अब इसे वन विभाग को दे दिया गया है। पहले फेज में 10 करोड़ की राशि इसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह मानसरोवर झील को उत्तर भारत का सबसे बड़े पर्यटन स्थल रूप में विकसित किया जाना है। यहां कई फेज में काम किए जाने हैं। वीरपुर की पहचान इस मानसरोवर झील को लेकर पर्यटन स्थल के रूप में होगी। होटल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोगों के आकर्षण का केंद्र इस झील को बनाया जाएगा। बिहार के स्कूलों में लगाई जाएगी टीकाशिला। बिहार के स्कूलों में छात्रों, टीचर के साथ परिजनों को वैक्सीन देने के लिए टीकाशाला लगाया जाएगा। इस टीकाशाला में 18 पार के सभी सरकारी और निजी स्कूल के शिक्षक कर्मी, उनके सभी परिजनों और अध्ययनरत छात्र छात्राओं के इच्छुक अभिभावकों को टीके लगाए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संयुक्त रूप से सभी डीएम, सभी सिविल सर्जन और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित लाभार्थियों के शत प्रतिशत टीकाकरण कराने के आदेश को जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रथम चरण में राज्य के सभी निजी सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों को, उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण चिन्हित विद्यालयों में टीकाशाला का आयोजन कर मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। पटना में नाइट कर्फ्यू के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स हुई तैनात। राजधानी पटना में नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अनलॉक के प्रथम चरण में लोगों को कुछ ज्यादा राहत देते हुए रात्रि 7 बजे से सुबह 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू जारी रखने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत नाइट कर्फ्यू का अनुपालन करवाने को लेकर बिहार पुलिस को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अगले 1 सप्ताह के लिए रियायत दी गई है कि कोरोना के संक्रमण का प्रभाव को और कम किया जा सके। आम लोगों को यह नहीं समझना होगा कि पूर्ण रूप से कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया है। जो छूटें राज्य सरकार द्वारा दी गई है, वो सिर्फ दिन के लिए है। COVID-19 संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए जारी की गई गाइडलाइन। COVID-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार अभी से ही एहतियाती कदम बरत रही है। यही कारण है कि संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत मास्क पहनने के लिए उम्र निर्धारित की गई है और कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क अनिवार्य नहीं है। मास्क को 6 से 11 साल के बच्चों को पहनने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जांच के लिए सीटी स्कैन का भी तर्कसंगत तरीके से ही उपयोग किया जाना चाहिए। मिथिलांचल के विधायक ने इथेनॉल फैक्ट्री और मिथिला हाट शुरू करने की उठाई मांग। बीते दिन दरभंगा और मधुबनी में उद्योग के विकास को लेकर मिथिला क्षेत्र से आने वाले विधायकों के दल ने बिहार में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन से मुलाकात की। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन से मिलने वालों में शामिल केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर और प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष लाजवंती झा शामिल थी। इन सभी लोगों ने संयुक्त रूप से मिथिला क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री
फैक्ट्री मिथिला हाट की मांग समेत बुनकरों की समस्याओं को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के समक्ष रखा और कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए हो रहे कार्यों की से काफी उम्मीद बढ़ी है। इसके साथ ही शाहनवाज हुसैन ने आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में मिथिला क्षेत्र के लिए विशेष लगाव है। उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिथिला का विकास तेजी से हो रहा है। बिहार जिला पीआरओ भर्ती के लिए आवेदन फिर से हुई शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने जिला पीआरओ भर्ती 2021 के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोल दिया है। इस संबंध में बीपीएससी की तरफ से जारी एक नोटिस में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट पीआरओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 10 जून से 5 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, बीपीएससी ने सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। जिला पीआरओ भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालय से कम पत्रकारिता और जनसंचार में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। भारत बिहार सरकार और ईसीआई को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। बिहार पंचायत राज अध्यादेश को भारत के संविधान के विरुद्ध बताने समेत अन्य मुद्दों पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य सरकार से बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रियंका सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ भारत चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश भारत के संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। बोर्ड ने इंटर में लगभग 17 लाख विद्यार्थियों का एडमिशन लेने की कही बात। बोर्ड ने इंटर में इस बार 17 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का एडमिशन लेने का ऐलान कर दिया है। बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 3500 से अधिक स्कूल और कॉलेज में छात्र और छात्राओं का दाखिला किया जाएगा। सबसे अधिक आर्ट स्ट्रीम में 7 लाख से अधिक सीटों पर नामांकन होगा। इसी तरह विज्ञान में 7,50,000 सीटों पर दाखिला होगा। इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार सबसे कम कॉमर्स में छात्रों का दाखिला होगा। कॉमर्स में 2,29,000 सीटों पर दाखिला होगा। आपको बता दें, इंटर में दाखिले के लिए बिहार बोर्ड की वेबसाइट portal.ofssbihar.in पर किया जाएगा। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्स में अब बनेंगे 4 OT। ब्लैक फंगस IGIMS में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए पटना एम्स में ऑपरेशन के लिए OT बढ़ना पड़ा है। पहले 2 OT में एक दिन में 10 ऑपरेशन होते थे, अब 2 OT और शुरू किए गए हैं। इससे एक दिन में 20 ऑपरेशन किए जा सकेंगे। गुरुवार को नया OT चालू होते ही ऑपरेशन का इंतजार कर रहे मरीजों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन PMCH में ऑपरेशन नहीं होने से मरीज की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, बेड नहीं होने के कारण PMCH में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। 78 पुलिसकर्मियों का किया गया तबादला। बीते दिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने 78 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। वहीं 5 पुलिसकर्मियों के आवेदन को होल्ड पर रखा गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों के सेवानिवृत्ति को नजदीक देखते हुए यह कदम उठाया गया, जिसकी पूरी सूची जारी कर दी गई है। पटना पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्ति की निकटता को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इन पुलिसकर्मियों ने तबादले के लिए आवेदन दिया था, जिस पर विचार कर पुलिस महानिरीक्षक ने रिक्ति की उपलब्धता को देखते हुए इन पुलिस आज लालू यादव के जन्मदिन पर होगा रक्तदान शिविर का आयोजन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज मनाया जाएगा। हालांकि कोविड-19 के कारण कोई खास कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं किया गया, लेकिन राजद की तरफ से आज रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया है। इसके साथ ही पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों, पंचायतों एवं गाँव में गरीबों को भोजन कराया जाएगा। पप्पू यादव ने ली कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज, लेने के बाद कसा तंज। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश भर में शुरू की गई है। इसी क्रम में बिहार में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोर शोर से करवाई जा रही है। इसी बीच जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने कोविड-19 की पहली डोज बीते दिन ले ली, जिसके बाद पप्पू यादव विपक्ष के पहले नेता बन गए हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है। वहीं वैक्सीन लेने के साथ ही पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर तंज भी कसा, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि आज मैंने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पहला टीका ले लिया, लेकिन मुझे बहुत दुख है। इस सरकार की जो दशा एवं मंशा है, वो अगले 3 साल में भी गांव, गरीब, आम लोगों तक टीका नहीं पहुंचा पाएगी, सब भगवान भरोसे। इसके साथ ही उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि बिहार में मौत घोटाला हुआ है। पटना में कल 1000 से अधिक लोगों की जान जाने के पीछे की क्या सच्चाई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में बिखेरी गई।
2008 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 1897 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। 1948 में भारतीय राजनीतिक एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। 1989 में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का जन्म हुआ था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस की हुई शुरुआत। 18 जून से खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत टीम इंडिया ने मैदान पर उतरने की तैयारी कर ली। इसको लेकर बीसीसीआई ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है। इसको शेयर करते हुए बीसीसीआई ने लिखा कि हमने पहली बार समूह में अभ्यास किया और सभी उत्साहित है। WTC फाइनल के लिए भारतीय टीम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने फाइनल के लिए प्लेइंग 11 पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट का दावा है कि टीम इंडिया प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज को मौका दे सकती है। इसके साथ ही इस बार भी ईशांत शर्मा को बाहर बैठना पड़ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लगा झटका। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बनाई जा रही फिल्मों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद बीते दिन उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के पिता की उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे का नाम या उसकी पसंद को प्रस्तावित फिल्मों में इस्तेमाल करने से रोका जाए। सुशांत के जीवन पर आधारित आगामी या प्रस्तावित फिल्मों में न्याय द जस्टिस, आत्महत्या या हत्या, स्टार वॉर्स लॉस्ट और शशांक जैसी फिल्में शामिल है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से रिलीज पर रोक हटाने के बाद जाने माने वकील एपी सिंह ने भी खुशी जताई है, जिसके बाद अब फिल्मों को रिलीज किया जा सकता है। जियो यूजर अब व्हाट्सएप के माध्यम से कर पाएंगे रिचार्ज। रिलायंस जियो ने एक नई सुविधा पेश की है, जिसके मदद से यूजर के लिए रिचार्ज करना और ज्यादा आसान होने वाला है। ऐसे में अब जियो यूजर सीधे व्हाट्सएप से रिचार्ज कर पाएंगे, साथ ही पेमेंट और अन्य सुविधाओं का भी लुफ्त उठा पाएंगे। इसके अलावा रिचार्ज से जुड़ी तमाम तरह की सुविधाओं का लुफ्त भी अब आसानी से यूजर उठा सकेंगे, जिसके तहत अगर व्हाट्सएप से जियो सिम रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने फोन में 7007 7007 नंबर को सेव करना होगा। इसके लिए यूजर को बस सिंपल नंबर पर हाई लिख करके मैसेज भेजना होगा, जिसके बाद रिचार्ज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूजर रिचार्ज प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद व्हाट्सएप से सभी तरह के पेमेंट के लिए तमाम तरह के पेमेंट ऑप्शन जैसे ई वॉलेट, UPI, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। अब आइए जानते हैं पेट्रोल, डीजल और सराफा बाजार के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,880 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,880 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,400 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 98.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.29 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सूरज राज, प्रिया सिंह, राजीव चौधरी, रामबाबू कुमार, सोनम सिंह, राजीव रंजन, दीपक कुमार, बंटी कुमार, खुशी नौटियाल, सपना गुप्ता, सोनम सिंह, शुभम आलम, अजिमा फिरदौस, अमरेश कुमार, सिंधु कुमारी, धनंजय सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार अनलॉक को लेकर सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन का पालन आप कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।